We are each free to believe what we want. And it's my view that the simplest explanation is, there is no God. No one created the universe, and no one directs our fate. आज सबसे अहम और fundamental questions science ही से पूछे जाते हैं और उम्मीद की जाती है कि यही हमें इन सवालों के जवाब दे। इसलिए साइंस से बार बार पूछा जाता है, क्या खुदा मौजूद है? Does God exist? मगर जब साइंस कहती है कि किसी खुदा का आज तक कोई सबूत नहीं मिला, तो मजहबी लोग इसके जवाब को तोड़ मरोड़ कर पेश करने लगते हैं। दारुल उलूम देवबंद ने मौलाना साद साहब पर गुमराही का फतवा दिया है और दारुल उलूम देवबंद ने ये बात कही है कि मौलाना साद साहब के जो नज़रियात हैं वो अहले सुन्नत वल जमात से खारिज हैं और वो जिस तरह की तशरीह कुरान हदीस की कर रहे हैं, अहले सुन्नत वल जमात के उलमा ने कभी भी ऐसी तशरीह कुरान हदीस की नहीं करी है। ज़लील है तू, सारे बरेलवी काफिर, सारे बरेलवी गुस्ताख, अबू बकर सिद्दीक की तोहिन क्या है? अरे आप हजरत अबू बकर सिद्दीक की तोहिन क्या है वो बताइए। मैंने तो कोई नहीं की। नहीं आप बताइए, हराम है कि नहीं? भाई सब हराम है। हराम है ना, यही तो बोल रहा हूँ। हम आयशा सिद्दीका की तोहिन। अमज़ बरेलवी अल-मुतवफ़ा 1340 हिजरी, उन्होंने ये किताब लिखी है तमहीद ईमान और हुसामुल हरमैन, ये इकट्ठी किताब है। हुसामुल हरमैन, हरमैन की तलवार, जिसमें उन्होंने 5 उलमाए देवबंद को काफिर डिक्लेयर किया, उनकी इबारात पे कुफर के फतवे लगाए। किताब का नाम है हुसामुल हरमैन, हरमैन की तलवार। तो उसके जवाब में 1906 में, 1906 में, आज चल रही है 5 अगस्त 2018, ये किताब लिखी उन्होंने अल मुहन्नद अल मुफन्नद, इसका नाम भी आप देख लें कितना खतरनाक, अल मुहन्नद हिंद की तलवार, उन्होंने लिखी थी हुसामुल हरमैन, हरमैन की तलवार, इन्होंने लिखी अल मुहन्नद हिंद की तलवार। हिंद की तलवार बड़ी मशहूर थी अरब के अंदर, इन नबी इस्लाम के मुबारक जमाने में अल मुहन्नद कहा जाता था हिंद की तलवार। हिंद की दो चीजें मशहूर थी, एक मसालाजात और तलवार, दो सारियां और चटपटी चीजें। हिंद की तलवार, तलवार अल मुफन्नद, एक सिखियाए हुए बाबे पर, यानी जिसका दिमाग खराब हो जाए, और बाबा उन्होंने मुराद लिया अबू ज़र बरेलवी साहब।